क्या आप किसी ऐसे अस्पताल के बारे में सोच सकते हैं जो बिना फिजिशियन के चल रहा हो? बुलंदशहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल ऐसा ही है, जो 4 साल से बिना किसी फिजिशियन के चल रहा था। हर रोज यहाँ हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें यहाँ बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन यहाँ आलम यह है कि दूसरे विभागों के डॉक्टरों के सहारे अस्पताल की ओपीडी चलती रही है। तमाम शिकायतों के बाद अब कहीं 4 साल बाद अस्पताल को एक फिजिशियन मिला है। तो आज एक डॉक्टर ने ज्वाइन किया है, एमडी मेडिसिन है, और हम उनको जिला अस्पताल में पोस्ट करेंगे, और अच्छी बात है जनपद के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि फिजिशियन तो लगभग 4 साल से ज्यादा समय से यहाँ कोई तैनात नहीं है जिला अस्पताल में। उम्मीद है अब यहाँ आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा, लेकिन अब भी दिल के मरीजों का इलाज यहाँ संभव नहीं है, ना ही कोई सर्जरी की जा सकती है। वजह वही कि यहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन नहीं है। योगी के स्वास्थ्य व्यवस्था पर यह अस्पताल दरअसल खुद ही सवाल बन गया है। यहाँ तकरीबन 1000 मरीज पर डे इलाज के लिए इस उम्मीद से आते हैं कि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, लेकिन यहाँ पर ना ही तो लंबे समय से कोई फिजिशियन था और ना ही कोई सर्जन। अब यहाँ एक फिजिशियन ने दरियादिली दिखाई है और यहाँ पर ज्वाइन किया है, जिसके बाद अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ से जो पर डे जो मरीज यहाँ आते हैं वो वापस बिना दवा के नहीं लौटेंगे। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी, बुलंदशहर।